हेलो और मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप सब? अब की बार यहाँ पे होता क्या है ना कि भाई विनी बोलती है कि उसको रैंक पुश करना है एंड मैं ऐसी गेम प्ले बनाता तो मैं बोलता हूँ कि चलो मैं भी गेम प्ले रिकॉर्ड कर लूँगा, क्या पता कॉन्कर वाले प्लेयर्स आज अच्छे खासे। देन होता क्या है, सब चीज़ साइड करो, कॉन्कर प्लेयर तो साइड करो, यहाँ पे डी वाई और ये दोनों भी चुपके चुपके रैंक पुश करने जाते हैं एंड मैं तो बस गेम प्ले बनाने आया था। बाद में पता लगता है कि भाई ये दोनों भी इसी मैच में है और गलत लेवल के अभी सीन होने वाले हैं, क्योंकि मैं विनी का रैंक पुश करा था और वो डी वाई या फिर कैरियोक्सी दोनों एक साथ अपना रैंक पुश कर रहे थे और मैं आ गया था विनी के साथ। और ये देखो दोनों ये रहे। आप लोग पूरा वीडियो देखना गाइस एंड जरूर से इस चीज़ के लाइक मारना, क्योंकि देखो नॉर्मल वाले अपडेट मतलब जो अपडेट आया अभी पता नहीं क्या कुछ नया अपडेट आया जिसमें ज़्यादा लोग रैंक पुश नहीं करना चाहते, अच्छा नहीं लगता उनको, सो इसलिए मैंने भी नॉर्मल वाला ही लगाया था। एंड यहाँ पे जो डी वाई है और ये दोनों भी, ये भी इसी वजह से नॉर्मल वाला खेलने आया और नॉर्मल वाले में हम दोनों के साथ मतलब ज़्यादातर भी लोगों का होता है क्या होता है कि अगर आप नॉर्मल खेलोगे ना दोस्तों के साथ या फिर किसी के साथ तो ज़्यादातर मैच मेकिंग होने के चांसेस रहते हैं। एंड यही चीज़ हमारे साथ हो गई है क्योंकि हम नो अपडेट वाला कोई खेल ही नहीं रहा जल्दी हमें से, तो नॉर्मल से आता है रैंक पुश होगी तो बराबर अगर होगी रैंकिंग तो जरूर से एक दोनों हम दोनों एक साथ मैच में आ जाएंगे, हुआ भी यही है। आप लोग पूरा वीडियो देखना है, जरूर से लाइक मारना एंड आखिरी में देखना किस तरीके से मैं मारने वाला इन लोगों को, जरूर से लाइक एंड सब्सक्राइब दबते रहना चाहिए गाइस, लेट्स गो। नॉट रिप्रेजेंट रियल लाइफ, प्लीज प्ले इन मॉडरेशन, टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स एंड प्ले रिस्पांसिबली। हेलो पवन भैया, कौन भैया यहाँ पे जल्दी, ये कौन आ गया, ये कौन लोग आ गया भाई? अरे नहीं दिवाई दिख रहा है यहाँ पे। ओके यक्ष भी आ गया, कर रहे थे क्या? अरे भाई तुम भी रैंक पुश कर रहे थे क्या? अबे भाई बता तो देते, अबे आप बोलो, ये पवन जैसी आवाज आ रही है, अरे ये विनी और पवन की आवाज आ रही है मेरे को। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, ये दोनों वही है, बैक पे फेक होंगे भाई, हमने थोड़ी देर पागल है हैं? माइनस पड़ेगा यार, हमारे मैच पे आ गए, शर्म करो। अबे तुम्हें क्या आवाज आ रही है? हेलो ऑल पे तुम ही हो क्या भाई? अबे डीवाई का नाम आया, अबे अरे भाई अभी पवन ही है, पक्का पवन है, कोचिंग की मत जाना, पवन आया आप जा दो पवन भाई, या तुम कहीं भी आओ बताते तुम्हें आओ। अरे अरे नोवो चैलेंज दे, अरे कह रहे हो चैलेंज पढ़ रहे हैं, बता बता हम कहां पे जा रहे, क्यों बता? वाह एंड गाइस अब जो बारी है भाई साहब अपनी सेफ लैंडिंग की, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में फाइट हो गई और किसी और ने हमको निपटा दिया फिर भी दो बंदे उतर रहे हैं फिर यहाँ पे मैं ज़्यादातर इसलिए उतरता हूँ क्योंकि यहाँ पे दो वेयरहाउस हमारे लिए अच्छी खासी लूट हो ही जाती है आराम से और साइड में दो बंदे अभी और उतर रहे हैं एंड अभी देखना थोड़ी देर क्या होगा, वो लोग मेरे सामने से उतर रहे होंगे और तुम्हारा भाई उनको कैसे मार के भगाएगा यहाँ से, तो बस देखते जाओ आगे धीरे धीरे। लगी उसको हेड, लगी ओपी, एक ज्यादा चल रहा है। और भाई यार मैं जैसा सोच रहा था ना कि ये कैरियोक्स या फिर वही दोनों होंगे बट ये दोनों वो उनमें से थे ही नहीं, लेकिन अभी सामने से बगी आएगी एंड वो दोनों भी ना सामने से ही आ रहे थे और इनका कुछ अता पता था नहीं, मैं भी मारना शुरू कर दिया, मुझे नॉर्मल सी बात है कि भाई इनको मारना है कुछ भी बजाय एंड तक मारना है क्योंकि इनको रैंक पुश करने देना ही नहीं है, आखिर तक बचने नहीं देना, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को भी डर लग रहा है कि अगर किसी और ने मार दिया हमें तो सीन क्रिएट हो जाएगा भाई, वो हंसने लग जाएंगे कि तुम किसी और से पिट गए, ये किसी और से मर जाए भले वो चलेगा लेकिन मुझे नहीं मरना एंड मैं तो मारूंगा भाई इनको। अब बगी आगे देखो, मजेदार बात बताऊं ये दोनों वही थे, मैंने इनके गेम प्ले वीडियो में देखा, इनकी चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाली है जिसमें इन लोगों ने भी साथ में रिकॉर्ड किया है, क्योंकि मैं आया हुआ था और हम सब एक में ही मैच में आ गए थे तो हम सब रिकॉर्ड कर रहे थे एक दूसरे का क्यों कौन किसको मारेगा, लेकिन भाई अब जो भसड़ होगी ना यहाँ पे मैं नॉक हो जाता हूँ और इनके पास आई थिंक गन वन नहीं थी या फिर ये सोच रहे थे कि ये इनका बंदा नॉक हो गया, तो ये दोनों भग जाते हैं मेरे को देखते ही। आगे तो बस देखते जाओ, मैं इधर ढूंढने ही आता हूँ कि किधर की तरफ इधर ही बगी आई थी और इनकी बगी इधर ही साइड में पीछे फूटी हुई लगी होती है एंड मैं घुस जाता हूँ बट मैं हो जाता हूँ नॉक और तब देखना कैसे इनकी फटेगी और ये भाग जाएंगे मेरे को देखते ही। ये फिनिश तो करते बट भाई इनकी गन ही नहीं थी ढंग की, मुझे ऐसा लग रहा था क्योंकि भाई जो गन थी ना अजीब हो रही, कुछ कुछ एमो होगी, ये देखो आवाज़ आ रही है ऊपर से,
हाँ एक ही बंदा लग रहा है। एक बंदा दूर दूर ओ भाई। अरे भाई भाई मैं नॉक नहीं होता, लेकिन माइक ऑन करने के चक्कर में ना मुझे लगा कि भाई इनको मारूंगा नहीं, मैं माइक ऑन करके पहले इनसे बात करूंगा, लेकिन भाई मैं ऑल पे माइक किया था, अब जाके ऑफ कर दिया। अब मेरा गुस्सा सर चढ़ गया और ये लोग भी भाग गए। इनको लगा कि बगी से कोई और, मतलब पीछे से एक और स्क्वाड जा रही थी, तो इनको लगा कि वो विन ही आ रही वहां से, तो इन्होंने नॉक करने के बजाय, इनको भी मालूम था कि मैं अगर रहूंगा तो माइनस करवा ही दूंगा, तो इन्होंने नॉक फिनिश करने के बजाय भागना अच्छा समझा तो भाग गए। लेकिन आगे जाके अभी इनकी बहुत गंदी तरीके से बेइज्जती करूंगा भाई। इन्होंने नॉक किया मेरे को, कैसे आगे जाके पकड़ेंगे फिर इनको। एंड गाइस यार ये वही दोनों यहाँ पे आकर बैठ गए हैं, लेकिन अभी बारी है ऊपर चढ़ने की। एंड मैं अगर ऊपर चढ़ गया ना तो भाई इनको छोड़ने से रहा मैं कंफर्म दोनों को मार दूंगा ऊपर। अगर मैं फाइनली यहाँ से चढ़ता हूँ एंड ऊपर देखता तो एक बंदा इनका ऊपर चढ़ा हुआ था, शायद डीवाई था वो, लेकिन अब थोड़ा देखने में मतलब मुश्किल हो रहा था मेरे को। बट ये भी कम नहीं था भाई, इन्होंने भी देना शुरू कर दिया था मेरे को देख के कि भाई अब वो मेरे को ही मारेंगे, और जैसे मैं अगर गलती से इस बार नॉक होता हूँ तो वो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उन पर लूट आ गई है एंड मेरे पे अभी भी बाइजन है एंड एक में थोड़ी बहुत एमो है। लेकिन इससे पहले उनके एक बंदे को डाउन करना पड़ेगा मेरे को यार। इसके बाद मैं सीधे रश करने के लिए चला भी जाता हूँ, उनके घर के आसपास पहुंच जाता हूँ। बाद में पता लगता है कि ये दोनों अभी भाग गए। मैं पूरा प्लान करके जा रहा हूँ कि ये बंदे इधर ही कहीं होंगे मेरे आसपास, लेकिन अब थोड़ी देर में देखना फायर कहाँ से आता है। यहाँ पे मैं आया लेकिन किसी का फुटस्टेप नहीं आ रहे, बट मैं फिर भी एक बार कन्फर्म कर रहा हूँ। लेकिन उधर में गाड़ियाँ लगी हुई दिख रही है मेरे को, और भाई आप देखो इसके बाद क्या ही इनको भगाएंगे। ये भागे जा रही हैं क्योंकि इनका माइनस का डर है, लेकिन मेरे को कोई माइनस का डर है ही नहीं। विनी को थोड़ा बहुत डर होगा बट मेरे को नहीं, क्योंकि मैं रैंक पुश कर ही नहीं रहा ना यार। तो देखो मैं रैंक पुश नहीं कर रहा, तो चाहे कोई भी है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई, मारो मारो खत्म करो गेम यार सिंपल। लेकिन दोनों भाग रहे हैं तो इनको भगाते रहेंगे, चिंता मत करो। पीछे फ्लैग ड्रॉप है, एनिमीज अहेड। अब ब्रीच साइड फ्लैग ड्रॉप है, देखना अभी अभी धुआं खत्म हुआ उसका, धुआं येलो येलो। एंड गाइस यार इन दोनों को मारने के चक्कर में ना बाकी लोग पिट जा रहे हैं मेरे से, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये वही होंगे, तो मैं एकदम हार्ड खेलने लग जा रहा हूँ, उतरते ही जस्ट मारने लग जा रहा हूँ। एंड बाद में पता लग रहा है कि भाई ये तो कोई और ही था, लेकिन इनसे फाइट होगी, जरूर होगी, क्योंकि आखिरी तक ये भी बचते हम भी बचते हैं, ये भी मारते हम भी मारते, तो आखिरी में देखना यही होगा कि कौन जीतता आखिरकार। उसके पास ब्लड रहा है, मेरे को लग रहा है शायद योक्स है। ओ देखा जल्दी जल्दी कब जा, लेके आती पीछे पीछे ही जाता है इस बार।
हेलो 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 यार देखो इन्होंने जैसी हेलो बोला मैं एक टाइम के लिए एक बंदे को नॉक किया दूसरे पे मैं रुक गया भाई। बट भाई बाद में पता लगता भाई तो निपटा रही है मेरे को, तो मैंने विनी बोला मार दो भाई अब क्या ही कर सकते हैं। खैर अभी तो टीम अप बैन भी पड़ा था, टीम अप मत करो गाइस मत करो। मैं इसी वजह से उन लोगों से मिल नहीं रहा, मेरे भी टीममेट्स मतलब मेरे क्लैन के ही बंदे आए हुए तो मैं उन लोगों से नहीं मिल रहा, मैं सोच रहा फाइट ही लूंगा उनसे। तो आप लोग भी ट्राई करो फाइट लो, टीम अप मत किया करो भाई, इससे बैन पड़ जाएगा आपका भी अकाउंट और मेरा भी। और आप सभी को बताऊँ एक सरप्राइज वाली बात, जस्ट मेरे पीछे कैरियोक्स बैठे पीछे वाली पहाड़ी में, मुझे पता भी नहीं है जैसे ही बाहर जाऊँगा हमारी गाड़ी फटने लग जाती है। और नहीं पीछे नहीं शायद सामने से, अभी अभी जस्ट जाने वाला था वो दिखता है। ओके ये सामने से भागेगा देखना अभी। ये दोनों एक साथ फायर दे रहे क्योंकि इनको मार लूं मैं एक ओम से एक ही बंदे को ले सकता हूं, बट एक साथ दोनों मार रहे इस वजह से मैं इनको नहीं मार पा रहा, इन बड़ा गंदा डैमेज दे रहे हैं। एंड अभी विनी ने नॉक किया था लेकिन हमारी गाड़ी के सारे टायर्स खराब हैं, क्या ही बोले गाड़ी फट रही है, दूसरी बगी के टायर्स ठीक नहीं है, एंड तीसरे बार में अब देखो जरा बहुत हो गया भाई। कैरियोक्स को सीधे हेडशॉट दिया, अब उनको पता लग गया भाई अब पीक नहीं लेंगे क्योंकि उनका हेलमेट वेलमेट तोड़ दिया। एंड अब मेरे पे कुछ भी नहीं है, बग्गी वगी कुछ है नहीं ढंग की, तो मैं क्या ही जाऊँगा, उल्टा वो जोन में उनको आना तो हम मैं तो नहीं जाने वाला भाई उस साइड में, उनको आना पड़ेगा। एंड भाई बग्गी टायर्स खराब है तो अब नहीं जा सकते, लेकिन इसी बीच एक और स्क्वाड आ जाती है। एंड यार सच्ची बता तो गाड़ी ना होने के चलते ना आज कितना दिमाग खराब हो रहा है, एंड मैंने अपनी गाड़ी भी फोड़ी थी ऐसी वजह से कि भाई अब यार जो बच्ची को क्या ही कर लेंगे, क्या पता हम ही डैमेज है इस गाड़ी से फूटने के बाद। बट इनके फाइट किसी और से जाती है, जस्ट साइड में वेरोस में भी कुछ बंदे आ गए एंड अभी अभी देखो भाग रहे हैं, अब ये उनका फोकस इधर तरफ आ गया, शायद उन्होंने नॉक कर दिया सामने वाले बंदे को। यार गाड़ी एक तो ऐसी है ना कि मतलब क्या बोलूं, बगी फटी पड़ी है क्या यार, मुझे ऊपर नहीं जाना पड़ेगा। भाई इसने एक और को डाउन कर दिया, आई थिंक फिनिश ही कर दिया उसको। अब भाई अब तगड़ी वाली फाइट होने वाली, बंदे यही हैं आखिरी के कुछ बंदे बचे और उनमें से दो बंदे तो ये हैं, बाकी वो सब ये दिख जाना तो एक को तो डाउन करना बनता है यार। और गाइस आप लोग इस वाले हेडशॉट के लिए जरूर से लाइक देने के लिए रेडी हो ना, जस्ट वेयरहाउस में ये बंदा मतलब कैरियोक्स आएगा एंड मैंने एकदम से एम किया और धाड़ एकदम से शॉट दूंगा मुंह पे इसके, देखना बस आप लोग उसी के लिए सब्सक्राइब दे देना भाई, सब्सक्राइब बनता है यार। एंड आप में से काफी सारे बंदे एकदम नए हैं पहली बार देख रहे हैं तो भाई कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से इस वाले शॉट के लिए चिंता मत करो बहुत तगड़ा मारने वाला हूँ। जस्ट वेयरहाउस में मुझे दिखता है ये किया पीक थर्ड खत्म हेडशॉट फिर से करियोक से भाई पिटी रहा है बस जब से आके। आप लोग जरूर से इस चीज़ के लिए सब्सक्राइब दबा देना गाइस, ज़्यादा बंदे आप लोगों से नए देख रहे हो तो जरूर से सब्सक्राइब दबा देना एंड जरूर से लाइक कर देना। एंड बारी है अभी असली फाइनल फाइट की। ये मेरे सामने लेटा हुआ है, मेरे सामने है ये। एनिमीज अहेड, यहाँ पे कितने भयंकर सांप बने हुए भाई क्या ही बोले। बट जिसने विनी को नॉक किया था उसको कैरियोक्स ने मार दिया एंड बारी अभी स्मोक करके विनी को उठा लूंगा। एंड अब देखो इसके बाद जो ही होगा, अब 2v2 फाइट हो गई गाइस, वो सामने दो हम सामने दो, देखते हैं कौन आखिरी तक सरवाइव करके चिकन ले जाता है। यार आखिरी फाइट में डीवाई जंप करने लग जाता है, वो सोचते हैं कि टीम अप करेंगे बट मैं नहीं करने वाला भाई क्योंकि आईडी बैन होती है टीम अप करने से, मैं नहीं करूंगा। एंड ट्राई करते हैं बट इसी चीज़ में विनी को निपटा देते हैं, मतलब विनी भी जाके जंप करते हैं उनसे बात करते हैं बट विनी को ना वो फिनिश डाल देते हैं। और मेरे पास AWM थी, मेरा गुस्सा और चढ़ जाता है भाई, मैंने दे दिया एकदम से हेडशॉट, देखो अभी क्या हुआ। वो जंप कर रही है, क्या बोलूं गाइस यार, मानो या ना मानो बट ये वाले शॉट के लिए जरूर से सब्सक्राइब तो दबा ही देना गाइस, इस चीज के लिए सब्सक्राइब वाला बटन दबना चाहिए। लेट्स गो गाइस, अब है देखो इन्होंने मार दिया एंड फिनिश भी डाल देंगे अब इसको, अब देखो इन दोनों को कैसे मारता हूं ये भाई, ये स्कैम कर दिया उसके साथ इन्होंने, अब बताते इनको। कंटेनर के पीछे छुपा हुआ है वो ब्लू वाले कंटेनर, बहुत लगी ना 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 ना।
भी इसको भी कैरी एक्सप्लोर होता है ना तो मैं तो बोलती हूँ इसको फीस्ट करो नो बेटा भाई हेलो भाई फिनिश क्या भाई मेरा बंदा टीम अप कर रहा था तुमने क्यों मारा ये बता दो ये देखो हाथ में क्या मेरे नहीं क्या अरे चल रे भाई ग्रेनेड दिया था भाई ग्रेनेड दिया था चल भाई भाई सुनो तुम्हें नॉक कर भाई हमने गलती क्या बे तुम्हें नॉक करके ना छोड़ के भाग आए ना वही हमारी गलती थी सबसे बड़ी बे मैंने को नॉक कर दिया मुझे लगा गेम ओवर हमारा खत्म तब तुमने कवर दे दिया भाई उतना टाइम मिल गया मेरे को रिवाइव देने का भाई कसम बता रहा हूं तो आज मैंने जो खेला है ना आज मैंने जो खेला भाई भाई मेरे को मजा आ गया भाई भाई तुम भाई ये बताओ भाई तुम मेरे को टारगेट किया था क्या दो बार राउंड से दिया अबे सुन तो डिवाइस वेयर हाउस में एक पट से दिया साला एक भाई वहां दिया रिच पे भाई तो यार भाई नहीं तुम चीटर हो भाई तुमको मैंने नॉक क्या कर दिया वहां पे सुनना डिवाइस जंप कर रहा था एंड में मुझसे हां भाई तुम चीटर हो भाई डिवाइस को चीटिंग से मार रहे हो भाई मुझे पता भी नहीं था जाओ बे अबे वो चीज देखा था तुमने भाई तुमको मैंने नॉक किया तो भाई बदला मेरे से ले रहो दो बार मेरे को नॉक कर दिया मतलब कौन से भाई मैंने पहले नॉक किया और भाई हमारी फटी थी सुनो जानते हो जब तुम्हें नॉक किया हम क्यों वहां से भागे भाई हमारे पास कुछ था ही नहीं माइनस का तो छोड़ो लूट भी नहीं था माइनस का तो था ही भाई लूट भी नहीं था और भाई बट्टी भी नहीं थी भाई तुम लोग उतरे कहाँ थे उतरे कहाँ थे तुम लोग उतरे कहाँ थे जहाँ पे उतरता हूँ ना मैं वो मैचेस में कस्टम्स में कल देख रहे ना कल देख रहे ना भाई हम सेल्टर गए अपना लूटे उटे ठीक है भाई हम तो भाई रैंक पुश कर रहे भाई मस्त अभी तो मिल गए बीच में आके वरना मिलते नहीं इतना जल्दी भाई हमने सुन हम लोग का क्या सीन था हमारा प्लान था हमें लूट नहीं मिला हम लोग सोचे ब्रिज के साइड सुनो मैं बता रहा हूँ हमने क्या बोला ब्रिज के साइड खाली होगा वहाँ छोटे छोटे कंपाउंड होते हैं ना वो लूटेंगे भाई हाँ हमने भी रिकॉर्ड किया भाई मैं तो डालूंगा भाई तुम्हें कैसे नॉक किया मजा आया वेयर हाउस में देखो भाई डिवाइस देखा था ना तुमने इसके साथ स्कैम हुआ था भाई अबे तुम्हें मार देता तुम देख तुम्हें आखिर में मार देता भाई बस नेट के चक्कर में मर गया हाथ में गन नहीं थी नेट करके फेंका मेरे पे ओम थी मैंने चलाना शुरू कर दिया भाई भाई हमें आखिरी में मिली थी उसका जैसे ही मिली भाई 4x लिया डिवाइस से और भाई डाउन हो गया उसका रिवाइव होके आया भाई आगे यहाँ पे देख विनी नॉक हुई ना हमने आ प्लान किया था यहाँ तुम लोग ने रश किया हम लोग थर्ड पार्टी करके खत्म कर देंगे भाई उसका जैसे अपन चढ़ने के लिए गए भाई ये बंदा लेटा था इसको मार दिया भाई विनी नॉक पड़ी थी पता नहीं कहा भाई हम लोग भाई यहाँ होल्ड कर गए कोई दिखी नहीं रही थी भाई दिखी नहीं रही थी उसके बाद भाई यहाँ मैं डिवाइस को बोला सुन ये दोनों बच्चे हुए मेरे को पहले लगा विनी मर गई फिर मेरे को लगा भाई ये दोनों बच्चे हुए तो भाई चल टीम अप करते हैं मैं डिवाइस को बोला मैं कवर में रहूंगा तू टीम अप कर भाई बार बार इसको मार रहे बार बार भाई बार बार इसको भाई उसको बार बार मारे जा रहे हो बेचारे को भाई उसके बाद हमने ये सोचा कि भाई पेन फाइट करेंगे मस्त थोड़े गपशप उपशप करेंगे भाई मस्त करेंगे चल भाई वो तो मजा ही आ गया हां वो तो भाई गलत भाई इसकी वो नहीं था भाई इस पे हेलमेट वेलमेट था भाई तो चलो फिर डालो मैं भी कल डालूंगा ठीक है मैं भी जा रहा हूं अभी चल ठीक है मैं भी जा रहा भाई भाई मैं तो भाई बेइज्जती करूंगा तुम्हें नॉक किया हो एक बार नहीं दो तो तीन तीन बार भाई बहुत मारा तुम्हें चलो भाई मैं तो उतारूंगा भाई देख लियो कैसा लगा वाला गेम प्ले जरूर से नीचे कमेंट बॉक्स में बताना एंड भाई क्या
क्या ही मैच मेकिंग हुई थी भाई, एक साथ दो दो एंड क्या ही हेडशॉट पे हेडशॉट दिए जा रहे। सो गाइस जरूर से सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर करो इस वीडियो को एंड दोस्तों को बोलो सब्सक्राइब करने के लिए 1 मिलियन तक जा रहा है। सो यार गाइस अभी के लिए वीडियो बस इतना सा, तो गाइस हेडशॉट के लिए जरूर से लाइक एंड सब्सक्राइब दबा देना। सो गाइस लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।